वहां की स्थिति को देखते हुए जो कुछ भी गृह मंत्रालय को फैसला लेना होगा वो फैसला लेगा, और जो भी गृह मंत्रालय फैसला लेगा वह मणिपुर के लिए भी हितकर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, वो उचित फैसला ही लेगा। ओबामा साहब को मैं समझता हूं कि यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया का अकेला देश यह भारत है। यहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि सारी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, इस नाम पर कभी भेदभाव नहीं कर सकते। भारत के सेकुलर करेक्टर को समझने की लोगों को कोशिश करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मुस्लिम कंट्री में भी इस्लाम के जो 72 सेक्ट्स होते हैं, 72 जो फिरके होते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे और कहीं।